प्यारे दोस्तों, भारत में कैसे अमीर बने के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम यह बताएंगे कि कैसे आप अपने एम्प्लाइज की ड्यूटी से बिजनेस की ड्यूटी में बदल सकते हो। मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉयज हो, एम्प्लॉय, तो हमने बदलना है बिजनेसमैन मैन और वुमैन, जिसको हम कह सकते हैं पर्सन, बिजनेसमैन और बिजनेस पर्सन। तो यह कैसे बदला जाए? आप यह जानती हो कि जो इंप्लॉयज हैं वो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते, खासकर भारत में और दुनिया में तो बिल्कुल ही नहीं। बिजनेसमैन ही दुनिया में अमीर बन सकता है। तो इसके थिंकिंग से हम बदल सकते हैं। ये थिंकिंग है, ये कैसे सोचते हैं और यह कैसे सोचते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सोचते हैं वर्क फॉर मनी, वो ये सोचते हैं कि पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। यानी पैसे के लिए काम करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि जब पैसा नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। तो उनकी तनख्वाह फिक्स हो जाती है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख। तो वो वहीं के वहीं खड़ जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं कि इस मनी की एक लिमिटेशन के ऊपर वो स्टैंड हो जाते हैं। उनकी जो सोचने की शक्ति थी, एक्सपेक्टेशंस थी, कैपेबिलिटी थी, वो एक सैलरी के अमाउंट के ऊपर स्टैंड हो गई। उन्होंने अपने आप को रोक दिया। जो इसकी थिंकिंग है बिजनेसमैन की, वर्क विद मनी, चाहे बिजनेसमैन के पास एक रुपया भी है, वो कहता मैं इससे 1,00,000 बनाऊंगा, तो उसकी जो सोच है पैसे से काम लेना, यह पैसे का गुलाम है एम्प्लॉयज। यह बिजनेसमैन है, पैसे को गुलाम बनाना चाहता है। तो कितनी अच्छी थिंकिंग है एक बिजनेसमैन की कि अगर उसके पास 1 रुपया, वो कहता है मैं इससे 10,00,000 बना के रहूंगा, क्योंकि मुझे पैसे से काम लेना है, अपनी कॉस्ट को कम करना, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने वीडियोस बनाने हैं, उसकी सीडी बना के सेल करना है, मेरे पास यही एक कैमरा है, तो ज्यादा से ज्यादा इससे काम लेना है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगानी है, क्योंकि मुझे धन से आगे धन बनाना है। तो यह थिंकिंग है बिजनेसमैन की। एम्प्लॉयज की थिंकिंग है पैसे के लिए काम करना है। तो इस थिंकिंग को बदलना पड़ेगा आपको अपनी थिंकिंग। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पैसे के लिए काम करने को त्याग के पैसे से काम कराना पड़ेगा, चाहे वो आपके पास 1 रुपया भी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है दूसरा, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्टेटमेंट को हमें स्टडी करना पड़ेगा, इनके जो इनकम स्टेटमेंट है और इनकी बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, एक तरफ इनकम्स हो जाती है और एक तरफ एक्सपेंसेस हो जाती हैं। अब एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिलती है, इंडिया में उसको मिले 25,000 रुपये सैलरी, मिले 25 रुपीज, उसके पास जेब में सारा दिन काम करते करते सुबह 4 बजे उठना है, ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, 25,000 लेके आने हैं हर महीने, आते ही खर्चे लग जाएंगे, डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगे, एक्सपेक्टेशंस बच्चों की, फैमिली की बहुत ज्यादा होगी, तो एक्सपेंसेस होगी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए।
रोटी कपड़ा मकान, जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो कुछ कंफर्ट्स लेंगे, कुछ विलासिता की वस्तु लेंगे, बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे, कुछ अच्छी कार ले सकते हैं। तो इस तरह से वो खर्चे करना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉकेट में है 25,000, सोचते हैं कार लेना, बंगला लेना, बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन देना, तो क्या करेंगे वो? ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं। अब क्या होगा एम्प्लॉइज का कि जब उनके जेब में पैसा नहीं है तो वो डेट लेंगे। आज मैंने अपने दोस्त से कहा कि भैया आप एम्प्लॉइज हो, आपको 25,000 बैंक से मिलते हैं, तो क्या इस 25,000 में आप बच्चे को एमबीबीएस करा सकते हो? वो कहता नहीं। तो आप कैसे कराओगे? वो कहता मैं डेट लूंगा, बैंक से कर्जा लूंगा। मैंने कहा कि कर्जे से तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ऑलरेडी ही कार के ऊपर डेट ले चुके हो। तो कहता मैं और कर्जा लूंगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए और कर्जा लूंगा। इट मींस आपके एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डेट, ये आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके अपने भी खर्चे हैं, आपने बैंक का इंटरेस्ट भी दिया, आपने टैक्स भी दिया। तो सारी जिंदगी जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहा है सबसे पहले बॉस के लिए, प्राइवेट हो सकता है उसका बॉस या कुछ भी बॉस हो सकता है उसका, ठीक है। वो काम कर रहा है किसके लिए? टैक्स के लिए। टैक्स, जितनी जितनी एम्प्लॉयज की तनख्वाह बढ़ेगी वो 30% टैक्स देता है। तो वो चीज जो है, वो चीज क्या है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है वो, एम्प्लॉयज गवर्नमेंट के लिए काम करता है वो। उसने डेट कंप्लीट करना है, उसका इंटरेस्ट भी तो दे रहा है, वो इंटरेस्ट क्या है, बैंक्स के लिए काम करता है। अपने लिए एम्प्लॉयज जिंदगी में कभी काम नहीं करता, अपने बॉस के लिए काम करता है, अपने बैंक के लिए काम करता है, अपनी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। आप बताओगे कैसे एम्प्लॉय अमीर बन सकता है? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये शो कर रही है उसके पास कोई एसेट नहीं है जो उसको इनकम दे, पैसिव इनकम दे। तो इस स्थिति से एम्प्लॉयज को आगे निकलना है, उसे बिजनेसमैन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको स्टडी करना पड़ेगा। ये है इनकम स्टेटमेंट। आप इसमें देखो ये इनकम्स हैं, ये एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें आप देखिए कि क्या होता है कि ये बैलेंस शीट है, यह बिजनेसमैन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब बिजनेसमैन को क्या आता है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, यहां से उसको नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट। एक्सपेंसेस में से मान लो ये एक्सपेंसेस हैं इसके, उसमें से इनकम्स हैं ये, इसकी इनकम में से एक्सपेंसेस घटाया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो उस नेट प्रॉफिट से वो अपने एसेट्स को खरीदता है, एसेट्स को, उस एसेट्स में से फिर इनकम प्राप्त होती है, खर्चे घटा के फिर नेट प्रॉफिट आता है, फिर उस नेट प्रॉफिट को फिर और एसेट खरीदता है। एसेट्स, 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 उसकी एसेट्स बढ़ती जाती है, लाइबिलिटीज उसकी निल है, उसने कोई भी लाइबिलिटी दी नहीं, उसके खर्चे उसके अपने नहीं है, बिजनेस के खर्चे हैं। वो सरकार को टैक्स नहीं देता जब तक उसके खर्चे कंप्लीट नहीं हो सकते। वो अपनी कार नहीं खरीदता, वो बिजनेस कार में घूमता है, वो अपने लिए बंगला नहीं बनाता, वो अपार्टमेंट्स को बनाता है, उसको किराए पे देता है, उसमें से इनकम प्राप्त करता है, उसी अपार्टमेंट्स में वो खुद भी रहता है, वो खाता है, वो रिफ्रेशमेंट का खाता है, उसका खर्चा अलाउ है। तो इस तरह से वो पैसे बचाता जाता है, हर तरफ से पैसे बचाता है और उससे अपनी एसेट्स को खरीदता है। दोस्तों अगर आपने अमीर बनना है तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा।
हर रोज एक नई एसेट को आपको बनाना पड़ेगा, उसमें से आपको नेट प्रॉफिट होगा, दोबारा उसको फ्लोइंग बैक करना पड़ेगा, एक नई एसेट बनाना पड़ेगा आपको। इस तरह से आप देखोगे धीरे धीरे करके आप अमीर बनते जाओगे। जब आप काम नहीं करोगे, जो आपके एसेट्स हैं, मनी आपके लिए काम करेगी। जो एसेट्स हैं, चाहे आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की तो वहां से रेंट मिलने लग जाएगा, कम से कम कामों में, कम से कम रियल एस्टेट में ऐसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कम रेट्स पे लोगों को मकान मिले, इससे सोशल वर्क भी है और आपको रेंट मिलेगा। आपने अदर बिजनेस में पैसा लगाया, वहां से आपको नेट प्रॉफिट मिलता जाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लोगों को साथ में जोड़ सकते हो और बिजनेस को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप अमीर बन सकते हो। और एक लास्ट में आपको बात कहके जाता हूं, इन दोनों में एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। वन मिनट, देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैं आपको कहता हूं यह एक बहुत बड़ा पत्थर है, स्टोन है 500 केजी का, 500 किलोग्राम्स का है। इसका नाम है प्रॉब्लम्स। अब एक व्यक्ति है, जेंटलमैन है, ये जेंटलमैन है, ये इसको उठाना चाहता है, क्या यह उसको उठा सकेगा? नहीं उठा सकेगा। तो इसने क्या किया, एक डंडा लिया, स्टिक, ठीक, इसमें एक स्पोर्ट लग दी, ये स्पोर्ट है। आप जानते हो कि इस चीज का नाम है लीवरेज। लीवरेज किसी की मदद से बहुत अच्छा काम करना, बहुत चैलेंजिंग काम करने को हम लीवरेज कहते हैं। यह व्यक्ति ने इस पत्थर को एक स्टिक के से उठा दिया। तो यह व्यक्ति कौन है? यह है बिजनेसमैन। और यह स्टिक क्या है? यह स्टिक है एम्प्लॉई, एम्प्लॉयज। यह स्पोर्ट क्या है? यह स्पोर्ट है सैलरी। अगर आपको यह प्रॉब्लम्स क्या है, यह प्रॉब्लम्स है बिजनेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। बिजनेसमैन एम्प्लॉयज को एक स्टिक के रूप में इस्तेमाल करता है तथा जितनी भी बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करता जाता है और अमीर बनता जाता है। आप देखते हो कि आपको एक हल्की सी सैलरी दी और आप यह डंडा बन गए। तो कभी भी अगर आप सोचते हो कि सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा, उसी टाइम आपको उस एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन दे देना है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब भी हो, चाहे वो बहुत ऊंची जॉब हो, क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जब किसी इंसान को इस्तेमाल किया जाता है तब वहां सीखने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आप खुद यह बिजनेसमैन बनना है, तो तब आपने लोगों को सिखाना है तथा उनको आपने सपोर्ट देनी है। तो वो सपोर्ट सीधी सी हो गई कि या तो यह स्टिक बनाइए या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आप पैदा कीजिए जो इस पत्थर को उठा दें। मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग पैदा करना चाहता हूं जो इस पत्थर को उठा दें। मैं किसी को स्टिक नहीं बनाना चाहता। तो याद रखिए, कहीं भी जॉब में आप काम कर रहे हो, जब आपको लगता है यह स्टिक बन रहे हो, तो आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। अगर आपने अमीर बनना है तो अपने आप को यह स्टिक समझना बंद करना पड़ेगा।
आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे बिजनेसमैन के पास भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके पास भी पैसा नहीं होता, वो भी तरक्की करना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। आपने वैसी थिंकिंग लेके आ जानी है, जिस समय इंसान अपनी थिंकिंग का जो लेवल है उसको बढ़ाता है तब वह अमीर बन जाता है। आप कहते हो कि इंसान उड़ नहीं सकता, ये सच्चाई है। ऐसे इंसान बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। परंतु आपने देखा ही है कि हवाई जहाज में इंसान उड़ सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सपना ले सकते हो कि एक ना एक दिन आप बहुत विशाल बिजनेस पैदा कर दोगे, तब आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। यह झूठ नहीं है, यह सच है। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटी सी थिंकिंग कि आपने यह विचार रखना है कि इस जॉब में मुझे एक स्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह डिफरेंस है इंप्लॉयज और यह डिफरेंस है बिजनेसमैन में। आपने सोचना है आप क्या हो। यह जो लीवरेज है हर तरफ होता है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, आप बैंक में सेविंग में पैसा डाल रहे हो मींस आपकी एफडी हो गई है 50 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, तो आपको मिला है 9%। दिस इज मान लो कि यह इंटरेस्ट है 9%। तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका पैसा बिजनेस मैन बैंक इस्तेमाल कर रहा है, वो दे रहा है, सोल्व कर रहा है, लोगों को लोन चाहिए उसकी प्रॉब्लम्स को 10 से 15%। बिजनेस की इनकम बढ़ रही है, देख रहे हो बैंक बहुत गति से आगे बढ़ रही है, 9% पे ले रही हैं और 15% पे दे रही हैं, तो वो अमीर होते जा रहे हैं। तो क्यों जमा कर रहे हो, सेविंग्स क्यों कर रहे हो आप बैंक में, आप उसको अपने बिजनेस में लगाइए यार, अपने बिजनेस में लगाइए उस पैसे को। आप भी 10 से 15% इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको एक डेट है, आपका पैसा आपके अपने बिजनेस में लगे, तो वो 10% आप कर्जा क्यों लेते हो। नो, डेट नहीं लेना आपने, कर्जा नहीं लेना, जो सेविंग में आपका 9% पे है वो पैसा आपने यूज करना है बिजनेस में। तो बिजनेसमैन की थिंकिंग रखिए कि आपको 20% से 50% तक मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास रखिए। ये मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने अपना पैसा जो डेट के रूप में सोच रहे हो बैंक से लेंगे, आपने जो सेविंग में रखा हुआ पैसा वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो स्टिक आपने नहीं बननी, किसी की भी स्टिक मत बनिए। लोगों के साथ सहयोग दीजिए, लोगों को सपोर्ट दीजिए, लोग आपको सपोर्ट देंगे, ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, इसको उठाया जा सकता है। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।